एचएएल के आए अच्छे दिन और राहुल गांधी को लगा जोरदार झटका। जिस एचएएल पर राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साधते थे, आज वही एचएएल इतिहास रच रही है और राहुल गांधी की बोलती बंद हो गई है। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर यहां तक आरोप लगा दिया था कि केंद्र की मोदी सरकार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बंद करने का विचार कर रही है। लेकिन राहुल गांधी अगर आज कंपनी का बही खाता देखेंगे तो उनका मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएगा, क्योंकि आज कंपनी ने वो मुकाम हासिल किया है जिसे पाने के लिए कंपनी का प्रत्येक सदस्य सराहना का पात्र है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कंपनी की आर्थिक दशा क्या है। कंपनी ने खुद इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 24,000 करोड़ रुपए का मुनाफा प्राप्त किया है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 6% अधिक है। आपके लिए महज 6% की बढ़ोतरी मात्र हो सकती है, लेकिन यह उन सभी के लिए मुंहतोड़ जवाब है जो कि कल तक कंपनी को बंद कराने की बात कहते थक नहीं रहे थे, कंपनी की बदहाली के सहारे राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। आपको बता दें कि पिछले वर्ष 2020-21 के वित्तीय वर्ष में कंपनी ने 22,755 करोड़ रुपए का मुनाफा प्राप्त किया था। उधर कंपनी के प्रबंधक ने दुरुस्त होती आर्थिक स्थिति के संदर्भ में कहा है कि कोरोना के कारण उत्पन्न हुई चुनौतियों के बावजूद भी हमने आर्थिक मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन किया है, यह कंपनी के लिए वाकई बेहतर है। प्रबंधक ने कहा है कि कोरोना प्रतिबंधों के कारण आर्थिक गतिविधियां भी ठप हो चुकी थी। लॉकडाउन के कारण आर्थिक मोर्चों पर लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। निसंदेह कंपनी के लिए आगे की राह आसान नहीं थी, लेकिन आज कंपनी ने वो मुकाम हासिल किया है जो कि हम सभी के लिए गर्व का पल है। आगे भी हम कंपनी की स्थिति को बेहतर करने की दिशा में अनवरत काम करते रहेंगे। एचएएल के अच्छे दिनों से तकलीफ सबसे ज्यादा अब राहुल गांधी को हो रही होगी, क्योंकि 2019 और उससे पहले भी वो एचएएल को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते रहे हैं। लेकिन अब एचएएल का वक्त बदल गया है, कंपनी तरक्की की राह पर अग्रसर है और कांग्रेस किस राह पर है ये बताने की जरूरत नहीं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार।